रामनवमी के पावन अवसर पर रघुवंशी समाज द्वारा भव्य श्री राम रथ यात्रा का आयोजन। श्री राम रथ यात्रा 30 मार्च को दोपहर 12 बजे रघुवंशी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर से प्रारंभ होगी। आप सभी धर्म प्रेमी जनता सादर आमंत्रित हैं। निवेदक श्री राम जन्मोत्सव समिति इंदौर, सौजन्य से अभिषेक रघुवंशी, मित्र मंडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवि। इंदौर में महिला संबंधित अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जिसमें महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी। मकान मालिक के लड़के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा महिला संबंधित आपराधिक घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिला संबंधित अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में हीरानगर पुलिस द्वारा फरियादी महिला की शिकायत पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक का लड़का अर्जुन द्वारा किराएदार महिला पर काफी दिनों से पूरी नजर रखी जा रही थी, और जिसके बाद जब महिला घर में अकेली थी तो युवक द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कल थाना हीरानगर क्षेत्र में लाइया कॉलोनी के अंतर्गत एक महिला है, शादीशुदा महिला, जिनने दुष्कर्म की रिपोर्ट की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके मकान मालिक का लड़का जो करीब 25 से 27 साल का है, जो वो घर में अकेली थी उस समय आया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद उनने महिला ने अपने पति को बताया और उसकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।